अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना पे। क्या कोरोना एक हकीकत है, क्या इंसानियत की तबाही का बायस बन रहा है, या एक अफसाने को हमने एक कहानी को एक हकीकत बना के अपने नर्व पे सवार करके ये बीमारी अपने ऊपर तारी कर ली है। नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी एक्सपो सेंटर में दो मरीज़ों से बात हुई जो गुज़श्ता 14-15 दिन से वहाँ हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 40-40 दिन से वहाँ हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जिनका कोई टेस्ट भी नहीं हो रहा, और उसमें से ऐसे लोग भी हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, बग़ैर दवाई के पड़े हैं, बग़ैर शुगर की दवाई के पड़े हैं वो, और बग़ैर हार्ट की दवाई के उन्हें बिठाया हुआ वहाँ पे। मैंने पूछा कि क्या कोरोना का कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं? कहते जी सिर्फ बुखार का दो पैनाडॉल सुबह, दो दोपहर, दो शाम, डेढ़ साल। तो मुझे फिर समझ नहीं आई कि कोरोना अगर एक बीमारी है तो उसकी मान लिया कोई ट्रीटमेंट अभी तक याद नहीं होगी, लेकिन उसकी कोई ऐसी SOPs तो बनी होंगी जिससे मज़ीद फैलने से रुक जाए। लेकिन मुझे वो दोस्त बता रहे थे कि सवा सवा महीने से ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं जो सेहतमंद है, लेकिन वहाँ बैठ के मज़ीद उनकी ख़राबी पैदा हो गई। जो थोड़े बहुत ख़राब थे लोगों में मिक्स होने के बाद मज़ीद ख़राब हो गए। आज हमने अपने यहाँ ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर फैज़ुर्रहमान साहब, जो मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर हैं, और इनका दावा भी है कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके, ये सिर्फ इंसानी बॉडी का में इम्यून सिस्टम है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त है, जिसको आप बढ़ा लें तो आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये एक बुखार है। बुखार आपको भी पता है नाज़रीन कि ज़ुकाम बिगड़ जाए तो मौत का बायस बन जाता है, बुखार बिगड़ जाए तो आपको 50 बीमारियां लगा देता है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं ये कैसा बुखार है जो कोरोना वायरस की वजह से होता है और उसके बाद बिगड़ के इंसान की मौत तक ले जाता है उसे। जी डॉक्टर फैज़ साहब, आप बताएंगे हमें। नाज़रीन, आज हम कोरोना के ऊपर इसकी हकीकत को वाज़े करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे समाज के अंदर इसके बारे में नावाकफ़ हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, और बाज़ लोग इनको सियासी एंगल देते हैं, बाज़ लोग इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा करार देते हैं, मतनवो इकसाम के यहाँ पर नज़रियात फैले हुए हैं। मगर जो हमारा मीडिया है वो किसी और अंदाज से और ढंग से बातें कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलहदा तरीके से हो रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों को, एक वसी जो सवालात हैं उनको हम मुख्तसर और साइंसी अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें समंदर के अंदर कितने आबी जानवर हैं जो वहाँ पर रहते हैं, मछली और पानी के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। वहाँ पर जो पानी के जानवर हैं वो वहाँ पर सुबह शाम पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, वहाँ पर अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, और उसी माहौल के अंदर वो रह रहे हैं। वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी का भी वो हिस्सा हैं, पार्ट हैं, पार्शल हैं, और वहाँ पर भी ज़िंदगी ऐसे ही रमा दमा है जिस तरह हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी रमा दमा है। अगर हम वही अक्स ज़मीन पर ले आएँ तो हम लोग हवा के एक समंदर में रह रहे हैं, जानवर पानी के समंदर में रह रहे हैं, हम हवा के समंदर में रह रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, हर तरह के जानवर जहाँ पर मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर भी बहुत सारे मौजूद हैं जो हमारे सांस लेने से हमारे अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं, और वो हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्शल हैं। उसके बगैर इंसानी ज़िंदगी सर्वाइव ही नहीं करती। तो सवाल ये है कि जब ये सारी ज़िंदगी का हमारा आधार है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो भाई हम इससे खौफज़दा क्यों हैं? तो खौफज़दा होने की वजह जो है उसके अंदर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं, वो ये है, कायनात के अंदर
नेचर जितनी चीज़ें पैदा कर रही है तो आप देखें वो उनकी पैकिंग करती है, फिर उनकी जो एक्सपायरी है वो उसका एक टाइम फ्रेम मुतय्यन करती है। नेचर ने ये असूल कायम किए हुए हैं। जब उसके बारक्स हम मसनू तौर पर जब हम चीज़ें पैदा करते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर या हम खाने पीने की चीज़ें तैयार करते हैं तो उसकी इंसान भी पैकिंग कर रहा है और उसकी एक्सपायरी को कंट्रोल करता है, मगर उसकी एक्सपायरी को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जबकि नेचर जो है वो एक्सपायरी को कंट्रोल करने के लिए अपने मसरूई तरीके इख्तियार नहीं करती, उसके नेचुरल मेथड हैं। तो नेचुरल मेथड को इख्तियार करने से यहाँ डॉक्टर साहब नेचर को कैसे इस्तेमाल करें कि कोरोना पे काबू पाया जा सके? नेचर जो है, नेचर चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। आर्टिफिशियल चीज़ों को इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी आर्टिफिशियल किस को चली जाती है? नेचर की कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाए, कौन सा फल, कौन सी सब्जी, कौन सी हवा, कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाए? जब हमने कोरोना के हवाले से बात किया तो कोरोना एक वायरस है जिसकी वजह से फ्लो हो जाता है, छींकें आ जाती हैं, बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी के अंदर कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है। तो हर बुखार जो है वो इन्फेक्शन का रिएक्शन होता है, तो हमने उस इन्फेक्शन को क्योर करना है। अब क्योर करने के लिए बहुत सारे तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पैनाडोल दी जाती है, उससे हम बुखार को रिड्यूस करते हैं जिससे बॉडी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और इम्यूनिटी कम होती है, डेवलप होने की बजाय बल्कि इम्यूनिटी कम होती है। तो हम कहते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी सादा चीज़ें हैं जो गरीब लोग सादा लोग इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं। मसलन आपके किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, ये चीज़ें इनका कावा बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सादा सी चीज़ है जो एज आपके टॉनिक आपको प्रोवाइड हो सकती है, ये आप ले लें अवीना स्टाइवा जिससे मेडिसिन तैयार होती है, बॉडी को एनर्जी देती है, तवानाई देती है और बॉडी से बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको डिस्चार्ज करने में अहम करदार अदा करती है। और वो है जवी, जवी के बीज ले लें, उसका कावा बना लें, कावा बना के दिन में एक या दो बार आप पी लें। जो भी आपको इन्फेक्शन आता है उसके बाद जो वीकनेस आती है उसको मसल बड़ी स्पीड से वो बूस्टअप कर देती है, स्पीडली आपको मसल तवानाई प्रोवाइड कर देगी। जो आपकी टांगों में दर्द होता है, जिसम में दर्द होता है, लेटे रहने को जी चाहता है, तो उसमें आपको स्पीडली आपको ये डेवलप करेगी। तो ये इस तरह की बस छोटी छोटी हमारे किचन के अंदर चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपने जहन से ऊपर ये बहुत बड़ा जो खौफ फैला हुआ है इसको खुदारा इसको कम करें। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा आपको, आप सेहतमंद हैं, आप ठीक हैं, मगर ये ज़िंदगी का वायरस बैक्टीरिया आपकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्शल है, ये हिस्सा है, ये ज़िंदगी है, तो आपके साथ इन्होंने चलना है और चलते रहना है। अगर हम इसको जेन के ऊपर सवार कर लेंगे तो फिर हमारे हमें कोई बचाने वाला नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कुदरत का साया, कुदरत का साथ ढूंढे, ऐसी कुदरती चीज़ें जो आपकी बॉडी में कोई ताकत पैदा करे, इम्यूनिटी पैदा करे, कोरोना से सिर्फ उसी सूरत में बचा जा सकता है। और दूसरी ये कि आप ना जरासीम फैलाने का बायस बने, वायरस ना फैलाने का बायस बने और ना उसको अपने ऊपर हावी होने दें, यही इसका इलाज है। और हमें यकीन है कि आप इस पे अमल करते हुए ख़ुद भी महफूज रहेंगे और अपने प्यारों को भी महफूज रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।